पाकिस्तान की जिदोजहद बहुत ज्यादा जोर पकड़ लेती है। सन 47 के आगाज में पंजाब की यूनियनिस्ट और सरहद की कांग्रेसी वजारतों के खिलाफ जो अवाम की मर्जी के बगैर उन पर मुसल्लत हैं, मुस्लिम लीग सिविल नाफरमानी की तहरीकें शुरू कर देती है। लाहौर, पेशावर और दूसरे मकामात पर लोग सर से कफन बांध कर निकल आए हैं। मुस्लिम लीग की अवामी तहरीकें सरहद की कांग्रेसी और पंजाब की यूनियनिस्ट वजारतों को हिलाकर रख देती हैं और ड्राइंग रूम में बैठकर सियासत चलाने वाले यूनियनिस्टों की वजारत को बहुत जल्द मुस्ताफी होना पड़ता है। अब सिख भी तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में निकल आए हैं। बरतानवी वजीर आजम के इस ऐलान ने कि अंग्रेज बर्र सगीर को एक या दो हुकूमतों को सौंप कर चले जाएंगे, हिंदुओं और सिखों दोनों को मुश्तैल कर दिया है। नतीजे में तकरीबन सारे बर्र सगीर में हौलनाक फिरके वाराना फसादात के शोले भड़कने लगते हैं। फिरका परस्तों के जुनून ने सदियों की हमसायगी और इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी हैं। इंसान का लहू पानी से भी अर्जा हो गया है और हैरत है कि अब भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक कौम बनकर चैन से रह सकते हैं। सूबों को भी मुस्लिम अक्सरियत और हिंदू अक्सरियत के जिलों की बुनियाद पर तकसीम करने और सिलहट और सरहद में राय शुमारी का ऐलान होता है। उसी रोज कायद आजम कौम से खिताब करते हैं। The complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million of people. The world has no parallel for the most onerous difficult task which we have performed. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibilities in a wise and statesmanlike manner. Ali beta, jaldi utho. Beta, jaldi utho. Hume bahut dur jana hai. Beta, jaldi utho. Bahut dur jana hai hume. हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम पाकिस्तान जा रहे हैं, अपने घर। अपने घर? तो ये हमारा घर नहीं है क्या? नहीं अली बेटा, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारा वतन और हमारा घर है। अच्छा बेटा बस बातें बंद करो, अभी मैं बहुत सा सामान पैक करना है। जल्दी करो अली बेटा, जल्दी। बस्ती में घुसा है, तुम अली को लेके पीछे के दरवाजे से निकलो। जाओ, मेरी फिक्र मत करो, बाहर किसी भी काफिले के साथ निकलो, मैं भी पहुंचता हूँ। जाओ जल्दी, जाओ। पाकिस्तान दो वापस। पाकिस्तान? अरे ओ पाकिस्तान का मतलब भी पता है? आज तेनु पाकिस्तान का मतलब मैं दसना। हुण तक पाकिस्तान का मतलब की है? पाकिस्तान का मतलब भारत माता की, भारत माता की। छड़ना नहीं है किसी ने भी।
पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान 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 का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह صغیر میں حصول پاکستان کی جدوجہد بہت زیادہ زور پکڑ لیتی ہے سن 47 کے آغاز میں پنجاب کی یونینسٹ اور سرحد کی کانگریسی وزارتوں کے خلاف جو عوام کی مرضی کے بغیر ان پر مسلط ہیں مسلم لیگ سول نافرمانی کی تحریکیں شروع کر دیتی ہے لاہور پشاور اور دوسرے مقامات پر لوگ سر سے کفن باندھ کر نکل آئے ہیں مسلم لیگ کی عوامی تحریکیں سرحد کی کانگریسی اور پنجاب کی یونینسٹ وزارتوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سیاست چلانے والے یونینسٹوں کی وزارت کو بہت جلد مستعفی ہونا پڑتا ہے اب سکھ بھی تحریک پاکستان کے خلاف میدان میں نکل آئے ہیں برطانوی وزیر اعظم کے اس اعلان نے کہ انگریز بر صغیر کو ایک یا دو حکومتوں کو سونپ کر چلے جائیں گے ہندوؤں اور سکھوں دونوں کو مشتعل کر دیا ہے نتیجے میں تقریباً سارے بر صغیر میں ہولناک فرق وارانہ فسادات کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں فرقہ پرستوں کے جنون نے صدیوں کی ہمسائیگی اور انسانیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں انسان کا لہو پانی سے بھی ارزاں ہو گیا ہے اور حیرت ہے کہ اب بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم بن کر چین سے رہ سکتے ہیں بنگال کے صوبوں کو بھی مسلم اکثریت اور ہندو اکثریت کے ضلعوں کی بنیاد پر تقسیم کرنے اور سلہٹ اور سرحد میں رائے شماری کا اعلان ہوتا ہے اسی روز قائد اعظم قوم سے خطاب کرتے ہیں The complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million of people The world has no parallel for the most onerous difficult task which we have performed. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. Ali beta, jaldi utho. Beta, jaldi utho. Hame bahut dur jana hai. Beta, jaldi utho. बहुत दूर जाने हैं हमें हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं बेटा हम पाकिस्तान जा रहे हैं अपने घर अपने घर तो ये हमारा घर नहीं है क्या नहीं अली बेटा क्योंकि पाकिस्तान ही हमारा वतन और हमारा घर है अच्छा बेटा बस बातें बंद करो अभी मैं बहुत सा सामान पैक करना है जल्दी करो अली बेटा जल्दी ओ जाओ अरे सोनिया सबसे यार अल्लाह है लगता है वो लोग बस्ती में घुसे हैं तुम अली को लेके पीछे के दरवाजे से निकलो जाओ मेरी फिक्र मत करो बाहर किसी भी काफले के साथ निकलो मैं भी पहुंच गया जाओ जल्दी जाओ पाकिस्तान दो वापस पाकिस्तान अरे ओ पाकिस्तान का मतलब भी पता है आज तेनु पाकिस्तान का मतलब मैं दसना आ आ आ
दस पाकिस्तान का मतबर किया भारत माता की भारत माता की छड़ना नहीं है किसी ने भी पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान 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 का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा